के साथ नमाज तरावी का एहतमाम करता है, पांच वक्त की नमाज का एहतमाम करता है। जब मैं और आप रोज़े के साथ तरावी और तरावी के साथ पांच वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, इन चीज़ों की बरकत से तुम्हारा दिल पहले क्यों ना गुनाहगार हो, गुनाहों के साथ डूबा हुआ क्यों ना हो, लेकिन तुम इस माह का जब एहतराम करते हो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुम्हारे दिल को नूर ही नूर अदा कर देता हूँ। और इससे भी कमाल वाली बात सुने, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ना, पिछले जुम्मतुल मुबारक भी हदीस मुबारक की तिलावत की थी, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान शखरी व रमादान शखरुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं शाबान मेरा महीना और रमादान अल्लाह का महीना है, और ये अल्लाह का मेहमान मेरे और आपके पास आया है। आपको पता है ना, जब हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम कितने तरीकों के साथ अपने घर की सफाई करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, उसके लिए बिस्तर साफ सुथरे लगा देते हैं, घर का माहौल अच्छा बना देते हैं कि आज हमारा मेहमान आ रहा है। ये तो दुनिया का मेहमान है कि जिसको मैं और आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मेरा अल्लाह फरमाता मैं भी आपका मैं भी अपना मेहमान तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि पता चले कि तुम दुनिया के मेहमान की तादीम तो करते हो, मेरे मेहमान की कितनी तादीम तुम करते हो। और इससे आगे भी कमाल वाली बात है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा मेहमान आए तुम घर को साफ करते हो दो घंटे पहले या एक दिन पहले, बिस्तर खूबसूरत कर देते हो एक दिन पहले या दो दिन पहले कि हमारा मेहमान आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने साल में 12 महीना रखे हैं और 12 महीनों में से एक महीना रमजान का है, बाकी जो 11 महीने बचते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम 11 महीनों को अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने तेरे मेरे लिए फरिश्तों को हुक्म दिया, जो मेरे मेहमान की ताजीम करेगा 11 महीने उसके लिए जन्नत को सजाते हुए नजर आओ। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मेरे और आपके करीम आका ने इरशाद फरमाया, जब मेरा उम्मती हर रोज सहरी के वक्त बेदार होकर यानी जागने के बाद अपने बिस्तर पर जब वो करवट चेंज करता है, करवट चेंज करने के बाद जब मेरा उम्मती अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते को मामूर किया जाता है, ओ मेरे फरिश्ते जल्दी कर, मेरा बंदा और मेरे नबी का उम्मती कभी मेरी रिजा के लिए कभी मेरे नबी की रिजा के लिए बिस्तर पर उठ बैठा है, सारी के लिए उठ बैठा है। लगाता है, आवाज आती है, ओ मेरे फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मेरे बंदे ने सारी करने के बाद मेरी रिजा के लिए नमाज फजर के लिए खड़ा हो गया, ओ फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैं रब होकर ऐलान करता हूँ मैंने अपने बंदे के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ करके जन्नत अता फरमा दी है। तो इससे भी आगे की बात सुनो, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों आओ, आम मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज के बदले में मेरा रब फरमाता कयामत के दिन एक नमाज के बदले में तुझे 70 नमाजों का अजर मिलेगा। और जो बंदा जकात देता है
इस रोजे को या रब जान सकता या उसका बंदा जान सकता है, तो आए इससे भी कमाल वाली बात सुनो। या अगर रोजों का सवाब अता फरमाएगा, मेरे रब ने फरमाया ना ना, रोजा इसने मेरी रिजा के लिए रखा, भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया और रखा गया, और इसके और इस रोजे की धोना शुरू फरमा दे।